हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज 18 मार्च 2020, आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर विद स्ट्रैटेजी के हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी, स्टेट में गुजरात को डिस्कस करेंगे, कल की तरह स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन रहेंगे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ओके, मोटिवेशन कोट देख लेते हैं क्या है। कुछ अच्छा करने के लिए आपको अच्छे विचारों की ज़रूरत है। आपको अगर वाकई में कुछ अच्छा करना है, आपको अच्छा करने से मतलब यही है कि आप पढ़ने की बात करेंगे और एग्ज़ाम की बात करेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो आपके पास पॉजिटिविटी होना बहुत आवश्यक है। पॉजिटिव थिंक के साथ आप कुछ भी कार्य करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी अच्छा आता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वन लाइनर न्यूज़ में देख लेते हैं क्या क्या रहेंगी आज की न्यूज़। तो फर्स्ट न्यूज़ है, फरवरी 2020 में थोक मूल्यों पर आधारित भारत का मुद्रास्फीति दर कितनी रही है। तो भारत की मुद्रास्फीति दर रही है 2.26%। ओके, या फीसदी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी का जवाब देने के लिए WHO के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन और स्विस फिलैंथ्रोपी फाउंडेशन द्वारा बनाया गया नया कोर्स उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है कोरोना वायरस डिसीज सॉलिडरिटी रेस्पॉन्स फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सागर विश्वविद्यालय संस्थान अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के साथ किस शहर में अटल इनक्यूबेशन सेंटर दयानंद सागर यूनिवर्सिटी इनोवेशन लैब को स्थापना करेगा। तो स्थापना कहाँ करेगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने किन 3 मान्यता प्राप्त संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बदलने का एक विधेयक पारित कर दिया है। तो वो 3 विश्वविद्यालय हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान श्री लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 आपातकालीन निधि में भारत का योगदान जो राशि दी गई है वो कितनी है। तो वो है $10 लाख की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय माध्यम महासंघ द्वारा घोषित दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ जनसंपर्क अधिकारी कौन है। तो वो हैं कंचन आजाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोहर पर्रिकर जी पूर्व गोवा के मुख्यमंत्री थे, कि इनकी मृत्यु हो चुकी है लास्ट ईयर। ओके, तो एक पुस्तक लिखी गई है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। पुस्तक के लेखक कौन है, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेनकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अखनवा सनरोइंगजिंगी तेंगवांग और मुख्यमंत्री आर्टिस्ट सिंगी तेंगवांग योजना प्रस्तुत करने वाली राज्य सरकार कौन सी है। तो वो है मणिपुर सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का नया राजनीतिक पक्ष है उसका नाम क्या है। तो आज़ाद समाज पार्टी। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई हैं उससे सामान्य ज्ञान को भी देख ले। संयुक्त राष्ट्र की बात हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर संस्थापक पूछ ले जाए तो वो है ब्रॉक चिशोल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो 2016 में हुई थी। नीति आयोग जो कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो नई दिल्ली में है। ओके, हाँ, तो डिटेल करंट न्यूज़ देख लेते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कोरोना के लिए परीक्षण विस्तार नहीं करेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने देश की बड़ी आज़ादी के आकार के कारण परीक्षणों का विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया है। इतने सारे परीक्षण करना उचित नहीं है। ICMR ने यादृच्छिक माध्यम से सामुदायिक प्रसारण की निगरानी करके कोविड-19 का मुकाबला करने का निर्णय लिया है। डेफ एक्सपो 2020 रक्षा मंत्रालय द्वारा एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो देश और विदेश के फर्मों से वैश्विक रक्षा विनिर्माण हब के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। 5 से 9 फरवरी तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इस डेफ एक्सपो 2020 की थीम भारत द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसमें डिफेंस के डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सार्क आवासीय कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण
देशों के बीच बातचीत समाप्त हो गई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्र और दुनिया को जोखिम भरी कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कर्षण प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मिलियन के प्रारंभिक योगदान के साथ सार्क देशों के लिए कोविड-19 आपातकालीन कोष स्थापित करने का प्रस्ताव सामने रखा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को विज्ञान भवन में वुमेन इन साइंस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएगा। इसी दिन सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज है शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शेख मुजीबुर रहमान को जतिर्पिता के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बांग्लादेश का राष्ट्रपिता। ओके, क्योंकि वे 1971 में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के पीछे केंद्रीय व्यक्ति थे। नेक्स्ट न्यूज़ है इंदौर किशनगढ़ उड़ान के तहत शुरू की गई है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंदौर मध्य प्रदेश से किशनगढ़ अजमेर राजस्थान के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इस मार्ग से शुरू होने से परिचालन वाले मार्गों की संख्या 268 हो गई है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है भूजल में यूरेनियम दूषितकरण। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राष्ट्रीय भूजल विभागों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्यूक विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में यूरेनियम एकाग्रता की स्थानीयता 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ऊपर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतिम दिशा निर्देश में उल्लिखित मूल्य से अधिक है। अब देखते हैं स्पेशल नॉलेज में क्या क्या दिया गया है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंग्रेजी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लघु रूप में IMF कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर करने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है। इसका मुख्यालय Washington DC संयुक्त राज्य में है। इस संगठन के प्रबंध निदेशक डोमिनिक स्ट्रॉस है। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो Washington DC में IMF का। July 1944 में IMF की स्थापना हुई। प्रबंध निदेशक जो है क्रिस्टीना लगार्ड है, जो कि जर्मनी कैपिटल होती है बर्लिन और वहाँ की करेंसी होती है यूरो। स्टेट में हम गुजरात को डिस्कस करेंगे तो गुर्जर प्लस त्रा का मतलब होता है भूमि, तो गुजरात्र इसका मतलब हुआ करता था गुर्जरों की भूमि और ये गुजरात इसको अपभ्रंश में कहने लगे। राजधानी गांधीनगर, गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी का। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, जिले 33 है, राजभाषा गुजराती है। अगर गठन पूछ ले जाए तो 1 मई 1960 है। सीमाएँ पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर में पाकिस्तान, पश्चिम में अरब सागर। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री जो है विजय रूपाणी भाजपा से आते हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 182 हैं, राज्यसभा की सीटें जो हैं 11 हैं, लोकसभा की सीट जो हैं 26 हैं। उच्च न्यायालय की गुजरात के अगर न्यायाधीश पूछ लिए जाएं तो वो हैं विक्रम नाथ जी। प्रमुख उत्पादन यहाँ की कपास और मूंगफली है। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहते हैं। भुज नामक भूकंप 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया था। केंद्रीय नमक और समुद्री अनुसंधान संस्थान भावनगर में स्थित है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। गुजरात का बंदरगाह जो है कांडला, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। लोथल बंदरगाह भी गुजरात में है। अमूल मिल्क हम लोग पीते हैं वो गुजरात में अवस्थित है। अमूल की फुल फॉर्म होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो कि एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। अब स्टैटिक जीके में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो जनवरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दिन रहे थे वो हम क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये स्टैटिक के क्वेश्चन हैं। ओके, तो 1 जनवरी को मनाया गया था वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। 8 जनवरी को मनाया गया अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। 9 जनवरी को NRI प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई गई थी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया गया था और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। अब जनगणना से कल जो क्वेश्चन रहे थे उन्हें रिपीट करेंगे। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू प्लाडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर ए गोपाला स्वामी, जो कि 1949 से 1953 तक रहे थे। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो वो है शैलेश। प्रथम बार जाति आधारित जनगणना कौन सी सन में हुई थी? तो 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना भाग है? तो 17.5% है। भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो वो है 17.7%। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 73%। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 343 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत जल्दी रहा है और बहुत छोटा सा सेशन रहा है बिकॉज ऑफ टुडेज CHSL एग्ज़ाम। सो सभी का ही है, मेरा है तो सभी का है। ओके, तो फिर आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रयास करते रहिए और अपना, अपने परिवारजनों का, अपने सपनों का ख्याल रखिए और निरंतर मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर से चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरी ऐप पर आप हमें फॉलो भी करें और वहाँ से ऑडियो रिविज़न भी करें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आपको सारी क्लासेस की PDF वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी, इसलिए वहाँ से PDF प्राप्त कीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, बहुत आपकी जो भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। एंड आपको फॉलो करना है खबरी ऐप पर, वहाँ से ऑडियो रिविज़न करना ही करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।